दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बेसन का रोल बना के सब्जी बनाने चल रहे हैं। ये हमने बेसन लिया था थोड़ा सा, उसमें हल्दी मिलाए हैं, हल्का सा इसमें हम नमक मिला रहे हैं। अब इसको हम घोलेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। ये हमारा घोल बन गया है, ना तो पतला ज़्यादा है ना ज़्यादा गाढ़ा ही है, ये देखिए मीडियम टाइप का है। अब इसको हम चल रहे हैं तावे पे रोल बनाएंगे। पहले ये तावे पे हल्का से हम रिफाइन को लगा रहे हैं ताकि चिपके ना। यहाँ से हम फैलाएंगे। ये हमारा पक गया है एक तरफ, अब इसको हम पलटेंगे, दूसरी तरफ नहीं सेकेंगे। इस तरीके से इसको हम पलट रहे हैं। तरीके से हम इसको सेक सेक रखेंगे। इसको हम थोड़ा सा रिफाइन लगा के दोनों तरफ भी और सेक दे रहे हैं। इसको हम निकालेंगे। मेरा सिका गया अच्छे से। इसको हम दूसरा बनाने चल रहे हैं अभी हम। हाँ देखिए इस तरह से हमारे रोल जो है तैयार हो गए हैं। इसको हम चाकू से कट करेंगे और ठंडा हो जाए तो। ये हमारा कट गया है, रेडी हो गया देखिए इस तरीके से। अब इसको हम सब्जी बनाएंगे। इसमें हम तेल डाल रहे हैं सरसों का। तेल मेरा गरम हो रहा है तब से हम मसाला का घोल बना रहे हैं। ये देखिए इसमें हम लहसुन लिए हैं, मिर्चा और प्याज अदरक पीस लिए हैं, इसको हम पेस्ट बना लिए हैं। अब इसमें हम हल्का सा मिर्चा पाउडर मिलाएंगे और ये हमारा गरम मसाला और धनिया पाउडर है, थोड़ा सा हल्दी। इसको हम अच्छे तरीके से मिलाएंगे डालेंगे। प्याज से जो बना हरे रंग डाल रहे हैं, टमाटर काट लिए थे इसको डाल रहे हैं इसमें। इसको थोड़ी देर पकाएंगे। मसाला पक गया है अच्छे से, इसमें टमाटर भी डाले थे वो भी अच्छे से डल गया है। अब इसमें हम इसको डाल रहे हैं जो कट किए थे बेसन को, इसको हम मिलाएंगे। दो मिनट तक इसको भी हम छोड़ देते हैं, उसके बाद पानी डालते हैं। ये हमारा पकड़ रहा है, अब इसमें हम पानी डाल रहे हैं। देखिए नीचे से पकाने लगा है, अच्छे तरीके से पक गया है। पानी डाल रहे हैं, पानी थोड़ा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि पानी बाद में सूख जाता है। पानी हम इतना डाल सकते हैं। अब इसमें हम नमक डालेंगे।
देंगे थोड़ी देर के लिए पक जाए। हाँ, इस तरफ से देखिए मेरे बेसन की सब्जी बनके तैयार हो गई है। इस तरफ से आप भी ट्राई करिएगा, और मेरा तरीका अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए प्लीज़ दोस्तों। धन्यवाद।